हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज चिकन पकौड़ा बनाऊंगी, वो भी बहुत ही इजी तरीके से विद द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। आप लोग देखिए तब पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर 250 ग्राम चिकन लिया है, बोन एंड विद बोनलेस। तो इधर मैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर दे रही हूँ। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा पाउडर दूंगी। नेक्स्ट इसमें 2 टेबल स्पून में रेड चिली पाउडर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर दूंगी। नमक स्वाद अनुसार दे दीजिए आप लोग। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालूंगी और मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालूंगी। ऑरिगेनो डालने से क्या होता है, इसका ये पकौड़ा का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही दूंगी। फिर इसको मैं इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी जैसे पूरे चिकन के अंदर आ जाए। उसके बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, उसको भी मैं एक साथ मिक्स कर लूंगी। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी और 1 टेबल स्पून मैदा डालूंगी। फिर इनको मैं मिक्स कर लूंगी। इनको मैं फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इस मिक्सचर को मैं आधे घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तेल थोड़ा ज़्यादा सा दीजिए। उसके बाद मैं 1-1 चिकन का पीस मैं इसमें डालूंगी। 1-1 पीस डालूंगी क्योंकि तो ये चिपक ना जाए, इसलिए मैं इसमें 1-1 करके पीस डालूंगी। तो ये मेरा देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो मैं फॉक के मदद से इसको इसका पोजीशन मैं चेंज करूंगी। इसको मैं अप डाउन कर दूंगी, जैसे डाउन साइड भी अच्छे से फ्राई हो, अप साइड भी अच्छे से फ्राई हो। तो ये मेरा चिकन पकौड़ा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो इसको मैं अभी सर्विंग प्लेट के लिए इसको निकाल दूंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई करो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप ग्रीन चटनी, रेड चटनी जिसके साथ खाओ, टोमेटो सॉस जिसके साथ खाओ, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।